हेलो दोस्तों, तो आज मेरे पास है ये मेरी वरना गाड़ी। इस पर मैं वैसे तो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करा चुका हूँ। ये है पूरी मेटलिक ग्रे कलर की, जो इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं। आप ये देखिए, मैंने इसमें पहले रेड कैपिलर पहले से ही किए हुए, ये मैंने खुद से ही किया हुआ है। तो बाहर से नहीं, जो अपनी स्प्रे पेंट आती है ना स्प्राइट की, जैसे मेरे पास आज ब्लैक है, इसमें ही सेम रेड इसी में मैंने ये पेंट किया हुआ है। तो जैसे ये ग्रे कलर के साथ हर बार ये जो अलॉय व्हील्स है ये सिल्वर कलर के ही आते हैं, और एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रास्ट में यही अच्छा लगेगा। बट मैं सोचता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट में जैसे अपन इसके ऊपर ब्लैक करें तो शायद ब्लैक अलॉय व्हील्स भी इसके साथ उतने ही जोरदार लगेंगे जितना ये सिल्वर लग रहा है। वैसे बहुत लोगों ने मुझे मना किया, बट लेट्स टेस्ट आज ये कैसा लगता है। मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा कि ग्रे के ऊपर ब्लैक अलॉय व्हील्स कैसे लगते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने ये अपने लिए स्प्रे पेंट लाया हुआ है। ये देखिए, ये प्योर ब्लैक है, अपन इससे ही स्प्रे करके देखेंगे। सबसे पहले हमको टायर निकालना पड़ेगा। चलिए मैं जैक फिट कर देता हूँ इस पे। हमको ये स्प्रे पेंट एकदम पास से नहीं मारना है ताकि कलर एकदम उस पर फैले ना जाए। थोड़ा दूर हाथ रख के उसके ऊपर कलर मारना है, और एक ही जगह से नहीं मारना है, थोड़ा दूर दूर से। मुझे तो लग रहा है मेरी कार के ऊपर कलर ये बहुत ज्यादा सूट होने वाला है, बट लेट्स सी कैसा लगता है ब्लैक कलर। वैसे मेरा फेवरेट तो ब्लैक ही है, अच्छा तो बिल्कुल लगना ही है मुझे तो। आप खुद ही देखिए, अपने टायर आज तक क्रोम या सिल्वर जो रहता है उसी में देखा होगा, पर मैं दूर से भी दिखा रहा हूँ। ये हमने कैसे एक साल पहले लगाए थे, तो इसको हम फिर से थोड़ा बहुत टच अप कर रहे हैं कलर का, ताकि वो ब्लैक के ऊपर और अच्छा लगे। टायर तो ब्लैक हो ही रहा है, बट मेरे दिमाग में और एक खुराफात चल रही है कि अगर हमने ये, मैंने एक्चुअल में इसके एक ग्रिल भी है इसके सामने जो मैंने ये भी ब्लैक किया है, आप ये देख सकते हैं। ये भी पहले सिल्वर थी, मैं एक फोटो अटैच कर दूंगा यहीं पे। बट अभी मेरा एक खुराफाती दिमाग बोल रहा है कि ये जो लोगो है अगर हमने इसको भी पूरा ब्लैक किए तो। एक बार मैं आपको ग्रिल लगा के पहले दिखाता हूँ, फिर अपन देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये देखिए, मैं इस पर ग्रिल लगाता हूँ पहले, इसका दूर से व्यू ऐसे वाला दिखा देता हूँ, फिर हम शायद, मुझे लग रहा है कि इसमें अगर हमने जो ये लोगो है हुंडई का अगर इसे भी ब्लैक किया तो कैसा लगेगा। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। तो अभी हम ये लोगो भी इस पे भी ब्लैक कर रहे हैं, लेट्स सी ये भी कैसा लगता है। हुंडई वालों देखो, ब्लैक लोगो। तो अब ये पेंट सूख चुका है, तो अब आती है मेन परीक्षा की घड़ी। चलिए इसको हम अपनी वरना में, ग्रे वरना में लगा के देखते हैं। पहले थोड़े थोड़े स्क्रू लगा देते हैं। तो ये देखिए, गाड़ी तो मैंने नीचे उतार दी है, आप खुद देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है ग्रे के साथ। कौन बोलता है कि सिर्फ व्हाइट पे ब्लैक अलॉय व्हील्स एंड ये रेड कैलिपर जैसा। एक बार देखिए, मुझे तो लग रहा है व्हाइट से भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार ये देखिए,
जो कंपनी से फिटेड ये आते हैं अलॉय व्हील्स, ये देखिए कैसा लग रहा है। कोई एकदम लग रहा है कि डल है, बट यहाँ से एक बार पोजीशन देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए साइड पोज, ये ब्लैक जो ये वाइट जो मैंने ये स्ट्रिप लगाया है इसके साथ, देखिए एक बार मैं आपको बैठ के भी दिखा दूँगा। ये देखिए क्या फिनिशिंग आई है, और अभी तो ये पूरा कंप्लीट होने का है। अगर ये दोनों टायर एक साथ लग जाएंगे ब्लैक, तो गाड़ी विल लुक ऑसम। ये देखिए मैंने ये ब्लैक लोगो भी कर दिया हूँ, तो देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं अभी ये पूरे वो टायर और वो दोनों टायर वो करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो रेडी हो ग्रे एंड ब्लैक वरना देखने के लिए? हियर इन 1 2 3। देखिए सबसे पहले तो ये ग्रिल एंड ये लोगो देखिए, ये नीचे की भी ग्रिल लगाया, इसको भी हमने पूरा ब्लैक कर दिया है। अब साइड लुक, मेन जो लुक आ रहा है ना खुद ही देखिए, अलॉय व्हील्स दूसरे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये अपन ने बस ब्लैक कर दिया, सी मैंने पीछे का भी लोगो फुल ब्लैक कर दिया है, ये भी बहुत अच्छा दिखा है ग्रे के साथ। अब इस साइड भी देखिए मैंने पूरा चारों टायर कंप्लीट। बहुत इच्छा रहती है ये ब्लैक कराने की, बट उनको लगता है कि इसमें बहुत पैसे लगेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जैसे मैंने ये टायर चारों टायर और ये लोगोज वगैरह पेंट किया स्प्रे पेंट से, तो मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ, मुझे सिर्फ 2.5 जो बॉटल है, मतलब दो बॉटल और एक आधी और वो बची हुई है, उतनी ही लगी, और एक बॉटल मुझे 180 रुपये की पड़ी। मतलब आप एस्टिमेटली पकड़ सकते हैं ये सिर्फ मेरा काम 500 रुपीज़ में हुआ, तो जो कि वर्थ है। और कितना प्यारा दिख रहा है आप वो देखिए, उसके लिए बिल्कुल मैं वर्थ है। इसके लिए लोग 2-3 हज़ार आराम से ले लेंगे कहीं भी आप बाहर जाएंगे, बट मैंने अराउंड 3-4 आवर में ये पूरा कंप्लीट कर दिया, और बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ। तो कैसे लगे ये ब्लैक कॉम्बिनेशन ज़रूर बताना कमेंट करके नीचे, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए और मॉडिफिकेशन के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।